सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड मिशन यूथ जो जम्मू कश्मीर की तरफ से चलाया जा रहा है, उसके तहत जो आपको बताया कि 1000 बच्चों को फ्री कोचिंग जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करने का जो है एक स्कीम जो है लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था परवेज स्कीम। फॉर्म्स जो हैं इसके लिए काफ़ी देर पहले जो है भरने हुए थे, जिसकी लास्ट डेट जो थी वो आपकी 24 फरवरी की आखिर लास्ट डेट थी, और उसके लिए जो है एग्ज़ाम जो होना था आपका OMR बेस का एग्ज़ाम, उसकी डेट जो है वो नोटिफाई कर दी गई है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कब आपका एग्ज़ाम होगा, कहाँ होगा, एडमिट कार्ड आपके कब निकलेंगे, ये सब इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको मिशन यूथ की ऑफिशियल साइट के ऊपर भी ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा गया है कि 8 मई को जो है आपका एग्ज़ाम होना है, 8 मई को सिंगल सीटिंग में होना है, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका एग्ज़ाम होगा, यानी जिसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए जाएंगे और वहीं पर उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी सेंटर नहीं बनाए गए हैं, एडमिट कार्ड जो आने अभी बाकी हैं, उसके बारे में भी नीचे बताया गया है। आइए देखते हैं एडमिट कार्ड कब आएंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो आपका OMR बेस टेस्ट होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का होगा और हर एक क्वेश्चन के जो हैं वो 3 मार्क्स होंगे, यानी आपका टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे जो हैं इसके लिए दिए जाएंगे। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स आपके 300 बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 की रखी गई है। ठीक है, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे ये कहा गया कि जो आप क्वेश्चन सही करोगे उसके 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका कोई रॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा, यानी 0.33 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी अगर देनी है, यानी कोचिंग के लिए आप एलिजिबल बनना चाहते हैं, तो 300 में से आपको 75 नंबर कम से कम लेने हैं, यानी 75 से जो कम नंबर लेगा वो चाहे टॉप भी होगा तो उसको जो है मेरिट में नहीं लिया जाएगा। कम से कम आपको 75 से ज़्यादा नंबर लेने हैं 300 में से, तभी जाकर आपको कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट के अंदर। ठीक है, मेरिट तो आपका मार्क्स के हिसाब से ही बनेगा, जो टॉप 1000 होंगे उनको ही मिलेगा, इसमें कोई कैटेगरी या दूसरी रिजर्वेशन नहीं है, जो सीधे टॉप 1000 आएंगे उन्हीं को जो है वो दिया जाएगा। ऑल दो सीट्स जो हैं वो ये कहा भी गया था फॉर्म भरने के टाइम कि सीट्स आपकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन कम से कम जो है आपको 75 नंबर लेने हैं आउट ऑफ 300, और अगर 25% जो है लगभग बन जाते हैं। ठीक है, 300 के 25%। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन होनी है वो सारी जो है इस फिज़िकल टेस्ट के ऊपर से ही होगी, यानी इसी में आपका मेरिट बनेगा और इसी में से 1000 बंदे जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड का जो है यहाँ पर बताया गया है कि आपके एडमिट कार्ड जो है अभी तक नहीं आए हैं। एडमिट कार्ड आपके अगर 8 मई को आपका पेपर है तो 8 मई से ये कहा गया है कि आपके 3 से 5 दिन पहले जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, यानी 8 मई को आपका अगर पेपर है तो आप 2 या 3 मई को जो है आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मिशन यूथ की वेबसाइट आपको कंटिन्यू जो है वो विज़िट करनी होगी, जब वहाँ पर लिंक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हम भी आपको चैनल पर बता देंगे जब भी एडमिट कार्ड का लिंक आएगा, लेकिन ये कहा गया कि 3 से 4 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड वो आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए क्या आने वाला है, उसके बाद ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आपके एग्ज़ाम में आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, मेन फोकस इसी पर रहेगा, बाकी इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग स्किल्स भी। ठीक है, इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंस, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर, ये सब चीज़ें जो हैं वो होंगी, मैथ्स वगैरह और रीजनिंग भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एक तो एडमिट कार्ड अपने साथ लाना है, और साथ में आपको एक ओरिजिनल फ़ोटो आईडी जो है वो भी अपने साथ जो है वो कैरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप जो है ब्लू एंड बॉल पेन जो है ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं आपकी OMR शीट्स को फिल करने के लिए। ठीक है, बाकी जो है इसमें कुछ है नहीं, बाकी ये चीज़ें कैरी कर सकते हैं आप। ठीक है,
कंपलसरी नहीं है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 8 मई को पेपर होने वाला है, 300 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, और मिनिमम आपको 300 में से 75 नंबर जो है कम से कम लेने ही हैं अगर आपको मेरिट में आना है, ठीक है। तो बाकी एडमिट कार्ड आपके जो हैं वो 3 से 5 दिन पहले आ जाएंगे, यानी 2-3 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका पेपर होगा। तैयारी कीजिए शुरू, काफ़ी अच्छी चांस है, और काफ़ी बेस्ट फैकल्टी जो है उसके द्वारा ये कोचिंग दी जाएगी। जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे देकर, वो यहाँ पर फ्री कोचिंग जो है अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है।